उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की नवनियुक्त प्रदेश चुनाव सह प्रभारी सांसद लॉकेट चटर्जी खटीमा पहुंची। खटीमा में लॉकेट चटर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने शक्ति केंद्रों के प्रभारियों के साथ मीटिंग भी की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र की स्थापना की है, जहां मीटिंग में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत को लेकर चर्चा की। सत्यापन का काम पार्टी के द्वारा किया गया। विधानसभा से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ विधानसभा से हमारा मुख्यमंत्री जी है और हम लोग ये देवभूमि में, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे देवभूमि में असाइन मिला है। हम लोग उनके साथ जुड़ के एक साथ काम करेंगे और सरकार भी बनाएंगे। और हम लोग का इस बार में जो हमारा शपथ है कि इस बार 60 पार, तो लास्ट टाइम हम लोग 57 थे, अभी हम लोग को 60 पार करना है। और हम लोग हिम्मत से एकदम उत्तराखंड में जो आपदा का जो स्थिति आए हुए हैं, उसके हिम्मत से हमारा कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं डे वन से, हम लोग उनके साथ हैं और साथ में रहूंगी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी और इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी में शामिल कराया। राजधानी देहरादून में भी कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तमाम नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यों से प्रेरित होकर तमाम नेताओं ने पार्टी का दामन थामा है। उन्हें विश्वास है कि तमाम नेता पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। नहीं थी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से किसी कारण से चुनाव लड़के या अन्य प्रकार से पार्टी में नहीं रहे थे, या अन्य राजनीतिक दलों से जिन्हें पार्टी में आना है, उस प्रक्रिया में हमारे नरेश जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, उन्हें चेयरमैन बनाया था और इस पूर्व प्रक्रिया में उन्होंने कुछ जिलों के लोगों को सिलेक्ट करके आज ज्वाइनिंग कराई है। कुछ ज्वाइनिंग जिलों में भी हो रही है साथ साथ आज, जैसा पौड़ी में हो रही है, चंपावत में हो रही है, उत्तरकाशी में हो रही है। आज कुछ लोग यहाँ, जैसा नैनीताल जिले से कुछ लोग आए, कुछ चंपावत से आए, कुछ देहरादून से आए, ऐसे लगभग 40-35 लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया है। इसमें आम आदमी पार्टी से भी विभाग के प्रवक्ता काला जी वो आए हैं। वहीं मसूरी के चूलघर चौक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 30.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की, जिसका लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन बर्निया, आईटीबीपी के कमांडेंट सोहन राणा मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के मिलिट्री बैंड ने राष्ट्रीय गीत गाया, जिसने सभी के मन को मोह लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के माल रोड के बीच राष्ट्रीय ध्वज कराए जाने की सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की पहचान है और आज मॉल रोड के बीचों बीच इस पहराते हुए से देखकर गर्व महसूस हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन में भागीदारी और स्वामित्व देने के मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की। इसके तहत विधानसभा स्तर पर हर बूथ में कल से कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की है। तो कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ऑनलाइन जुड़े। उत्तराखंड में नवसृजित 9 राजकीय महाविद्यालयों में इसी सत्र से कक्षाएं शुरू होंगी। बता दें कि शासन ने नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्यों को तत्काल प्रवेश प्रक्रिया शुरू करते हुए आगामी 5 नवंबर तक जारी रखने के निर्देश दिए, जिसकी जानकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी। डॉक्टर धन सिंह रावत सिंह ने बताया है कि राज्य में नवसृजित सभी 9 राजकीय महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं, ताकि इन नए महाविद्यालयों में इसी सत्र से कक्षाओं का संचालन शुरू किया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी प्रभारी प्राचार्यों को अपने तैनाती स्थल पर योगदान देने के साथ ही महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही इन नवसृजित महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया आगामी 5 नवंबर तक जारी रखने को कहा गया है। तो प्रेस विज्ञप्ति 26 अक्टूबर 2021 उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में सभी की भावनाओं और विचारों का समावेश महाराज
प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री मनोहर कांत ध्यानी की तरफ से समय पर मुख्यमंत्री को अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का स्वागत किया है। संतुली में बहुउद्देश्य शिविर जो लगाया गया है, इसमें जो लोगों की समस्याएं हैं वो आप प्रशासन के सामने आई हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सबको सुना है, हमने भी बहुत सी बातें रखी हैं और ये आदेश दिए हैं कि लोगों की समस्या का निराकरण किया जाए, विशेषकर जो पानी की व्यवस्था है उसको सुचारू चलाया जाए ताकि गाँव के अंदर लोग पानी पी सकें। जल ही जीवन है और सड़कों का जो हमारे पास समस्या आई है तो सड़कों के लिए भी आदेश दिए गए हैं और सतपुली से लेकर के कोटद्वार का जो रोड है उसका जो है सुधारीकरण किया जा रहा है। महल मोड़ा के सिमकनी मैदान में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोग आपदा की समस्याएं लेकर शिविर में पहुंचे। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और डीएम वंदना सिंह भी शिविर में मौजूद रही। इस दौरान कई समस्याओं का अधिकारियों ने मौके पर समाधान किया। शिविर में कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। शिविर में 200 से ज्यादा शिकायतें सामने आई जिसमें पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि समेत अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं प्रमुख रही। इसके अलावा बीते दिनों आई आपदा के बाद हुए नुकसान से संबंधित समस्याएं भी शिविर में छाई रही। वर्तमान में जो समस्या सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ये जो आपदा में हमारा जो आई आपदा अतिवृष्टि हुई उससे बहुत नुकसान हुआ। किसके आंगन गए हैं, किसका मकान में दरारें आई, किसका मकान क्षतिग्रस्त हैं और अल्मोड़े में नाले हैं, नालों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और नालों से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। इन नालों के नुकसान से भी बहुत दिक्कतें आई हैं तो नालों के नुकसान के लिए भी समीक्षा हो रही है। निर्माण विभाग जहाँ लोक निर्माण विभाग के नाले हैं उनको लोक निर्माण विभाग बनाएगा, जहाँ नगर पालिका के हैं नगर पालिका बनाएगा और जहाँ पर अन्य कहीं नालों में कोई दिक्कत नहीं है जो किसके पोजेशन में नहीं है तो उनको जिला अधिकारी अपने फंड से पैसा देंगे, नरेगा से हम उनको बनाएंगे। तो वहीं पौड़ी में एलटी काउंसलिंग में सम्मिलित शिक्षकों ने पदोन्नति की मांग को लेकर शिक्षा विभाग परिसर में धरना प्रदर्शन दिया। गढ़वाल मंडल के बेसिक शिक्षा में कार्यरत 30% एलटी काउंसलिंग में सम्मिलित शिक्षा शीघ्र पदोन्नति की मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं लेकिन आज तक पदोन्नति न होने से कुछ शिक्षकों ने रोष जाहिर किया है। मंडल मुख्यालय पौड़ी के शिक्षा विभाग परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जानते हैं कि सरकार का दबाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, शासन का कहना है कि पदोन्नतियाँ शीघ्र होनी चाहिए। एक डेडलाइन बना दी उन्होंने सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से डेडलाइन है 15 अगस्त तक पदोन्नतियाँ होनी चाहिए थी, उसके बाद भी आज तक पदोन्नतियाँ नहीं हो पाई हैं इतना समय बीतने के बाद भी, तो ये हमारे साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। बार बार हम माननीय प्रत्येक स्तर पर हम मिले हैं, एडी जहाँ जब धरने पर बैठे हैं एडी महोदय के लिए हमने मिलने के लिए हमने समय मांगा था, यहाँ से हमें कोई समय नहीं दिया गया। इसके बाद निदेशालय में हमारी डीजी महोदय से वार्ता हुई है, एक बार नहीं दो बार वार्ता हुई, तीन बार वार्ताएं हुई हैं, डीजी महोदय से वार्ता हुई है, डायरेक्टर मैम से वार्ता हुई है और यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है। सर जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है ये हमारा जो है 2019 में पदोन्नति के लिए विज्ञप्ति निकली थी और 2019 में ही हम लोगों ने आवेदन किया था और 2019 से लेकर आज 2021 तक दो वर्ष पूरे होने के बावजूद भी हमें पदोन्नति नहीं दी गई। मार्च में जो है हम लोगों की जो है काउंसलिंग करवाई गई लेकिन काउंसलिंग के नाम पे हम पे हमारे साथ धोखा किया गया, जबकि इससे पूर्व भी जो विगत वर्ष में जो पदोन्नतियाँ होती गई हैं तो काउंसलिंग की डेट को ही पदोन्नति के दिन ही आदेश प्रोवाइड करवा दिए जाते थे सभी अध्यापकों, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें हमारे साथ छलावा हुआ है। कोरोना काल के दौरान प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लाखों रुपए के बिल वसूले गए थे जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में जनहित याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। अभिनव थापर ने बताया है कि आमजन को प्राइवेट अस्पतालों से पैसे वापसी के लिए अपने साथियों के साथ प्रदेश भर में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर उनके बिल इकट्ठा करके उनके बिल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। साथ ही बताया कि उत्तराखंड के सभी कोरोना पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया गया है जिस पर कोई भी अस्पताल दवाई के बिल और डिस्चार्ज बिल व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं।